आज लॉन्च है और सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं झांसी की रानी का रोल तो प्ले कर रही हूँ लेकिन जो असली झांसी की रानी है वो यहाँ है मेरा साथ देने के लिए। तो ये जो आपने स्किट देखा, मैंने जो परफॉर्म किया, तो ये आप देख सकते थे कि लाइव परफॉर्मेंस था, कोई इसमें कटिंग नहीं थी। तो जब मैंने इन्हें देखा कि ये आए हैं, मुझे इतना मोटिवेशन मिला इनको देख के कि असली झांसी की रानी आज हमारे सेट हमारे स्टेज पे हैं। तो उनसे मोटिवेशन मिला, थैंक यू सो मच आप यहाँ आए। और मुझे सही में बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि आज लॉन्च है, बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रही थी इस शो का। और ऑब्वियसली ये रोल आप देख सकते हैं कि झांसी की रानी में आपने जाना कि हम सिर्फ जानते हैं कि वो घोड़ा चलाती थी और कैसे ब्रिटिशर्स को उन्होंने भगाया, लेकिन जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, जो उसको जब वो गंगाधर राव के साथ उनका विवाह हो जाता है, जो उन्हें जानने मिलता है कि उनके जो परिवार वाले थे कैसे गंगाधर राव को वो मारना चाहते थे और रानी लक्ष्मीबाई को भी मारना चाहते थे, तो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, सोशल रिफॉर्मिस्ट का जो पार्ट है, वो हम इस बार हाईलाइट करना चाहते हैं। और मेरे लिए सही में बहुत गर्व की बात है। ऑब्वियसली आप सबको पता ही होगा मैं आज स्माइल ही करी जा रही हूँ तब से, और बहुत खुशी हो रही है। क्या कुछ प्रिपरेशन था इसके पीछे, क्या कुछ स्ट्रगल रहा उसके बारे में बताएं? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बहुत एक सच बात है, मैंने आज तक कभी भी, क्योंकि मैं 8 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो आप सबको मालूम होगा कि चोट लगना, इंजरी होना बहुत ही हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। मैं छोटी चोट लग जाती थी और मैं होती थी, मैं 4 दिन ऐसे रहती थी कि अरे उंगली में चोट लगी, छोटी सी लग गई, बट बहुत डर जाती थी। और ये रोल मिलने के बाद मेरे में इतना ज़्यादा चेंज आ गया, इतना ज़्यादा मेरे में, मतलब मेरे मम्मी पापा की वजह से, मेरे जो मास्टर जी हैं उनकी वजह से, मेरे डायरेक्टर सर जो हैं, इन सब की वजह से जो मोटिवेशन मिला है, तो वो अनुष्का सेन को छोड़ के अभी एक अलग अनुष्का सेन हूँ मैं, एक स्ट्रॉन्ग वर्जन हूँ। और प्रिपरेशन की बात करें, हाँ घोड़ा चलाना नहीं आता था, तो 10 दिन में मैंने घोड़ा चलाना सीखा और स्वॉर्ड फाइटिंग सीखी, हैंड फाइटिंग सीखी, उसके अलावा भी चलना, बोलना, डिक्शन, हिंदी का डिक्शन जो हमारा, क्योंकि झांसी की रानी वो एरा की है तो आजकल के ज़माने की हिंदी नहीं है, तो ये सब में प्रिपरेशन चल रहे हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, यू नो झांसी की रानी अपने आप में एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी रही है। बचपन से हम उसको बुक्स में पढ़ते आए हैं, कविताओं में पढ़ते आए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता आई थिंक हमारे जनरेशन में सबको ही, सभी ने पढ़ी रहती है, और वो कविता पढ़ के ही उस समय की एज में कितना ओज रहा होगा वो हमको समझ में आता है। आज ये जो सीरियल पोर्ट्रे करेगा, वो आगे आने वाली जनरेशन भी उस चीज़ को समझ सकती है कि कितने स्ट्रगल से हमको यह आज़ादी मिली है, कितने पर्सनल स्ट्रगल्स हुए उसमें, देश के लिए लोगों ने कितना अपने आप को सैक्रिफाइस किया, और उससे एक देशभक्ति की भावना और एक ब्रेवरी उसकी भावना हमारे बच्चों में निर्माण होगी। तो आई थैंक द एंटायर टीम कि उन्हें इतना अच्छा हमारे समाज के लिए ये काम कर रहे हैं। मैम देश में काफ़ी महिलाएँ हैं, जो किसी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज बस ये है कि आप झांसी की रानी जो है उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, किसी भी चीज़ से डरिए नहीं, और गलत को गलत, सही को सही बोलने की हमेशा अपने आप में हिम्मत रखिए, और जब भी आपके सामने कोई दो राहे आते हैं, चॉइस आती है, तो सही डिसीजन लेने के लिए आप अपने आप को सक्षम समझिए और किसी से डरिए मत। अनुष्का हाल ही में मूवी आई है मणिकर्णिका, आपने देखी, कुछ उसमें से थॉट्स मिले या कुछ, कितनी पसंद आई आपको? मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि कंगना रनौत मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ क्योंकि वो भी एक नामचीन खानदान से नहीं आती, तो वो अपने ही है ना, अपने ही एक्टिंग के दम से वो इतना ऊपर आई है। तो मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी क्योंकि उनकी एक्टिंग, आप सबको मालूम है कि वो जब किसी रोल में घुस जाती है तो वो इतना अच्छा पोर्ट्रे करती हैं, तो उनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ। हाँ, पर मैं कहूँगी कि क्योंकि हम सेम रोल्स पोर्ट्रे कर रहे हैं, लोग कंपेयर करेंगे, पर मैं चाहूँगी कि ऑब्वियसली मैं खुश होंगी अगर कंपेयर करें, लेकिन वो एक लेजेंड है कंगना रनौत मेरे लिए बहुत, मतलब मैं चाहूँगी कि मैं उनसे कभी मिलूँ तो मैं उन्हें कहूँ कि वो मेरी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस है, बहुत इंस्पायर होती हूँ मैं उनसे, पर मैं फोकस करूँगी कि इस रोल को मैं जस्टिफाई कैसे कर सकूँ। ओके, इतनी छोटी उम्र में और रोल काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप जी हो जाती है, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ कि देखिए हमारे इंडस्ट्री में इतने चाइल्ड एक्टर्स हैं, किसी को भी अगर ये आप रोल देने जाएं तो सब खुश हो के मतलब अपनी जान लगा देंगे कि हम बेस्ट जस्टिफाई कर सकें, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई एक इतनी लेजेंडरी हमारी फ्रीडम फाइटर थी, तो उनका रोल करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है,
उसमें से मैं लकी हूँ, सबसे लकी हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कलर्स ने, वाईकॉम 18 ने. एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बस होप करती हूँ कि हम सब, मतलब मैं अकेली नहीं, मेरी जो पूरी टीम है बहुत अच्छी है. मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, उनके साथ मिलकर हम पूरे जोश से कर रहे हैं और हम आशा करेंगे कि आप सबको पसंद आएगा. लास्टली अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने फैंस को ये कहना चाहूँगी कि आपके आशीर्वाद और आपकी जो इतनी अच्छी विशेज हैं, मैं जब भी इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सोशल एक्टिव हूँ, तो मैं देखती हूँ कि आप इतने अच्छे से कमेंट्स करते हैं, इतने अच्छे से है ना लिखते हैं, और मुझे बहुत दिल छू जाता है. एक्चुअली डेली जब मैं उठती हूँ सुबह, तब मैं सोचती हूँ कि मेरे फैंस चाहते हैं कि मैं अच्छा करूँ. जब वो मुझे देखे, मैं चाहती हूँ कि वो सेटिस्फाई हो. तो मैं बस उनके ये मोटिवेशन की वजह से, मतलब एक अलग जुनून है. तो थैंक यू सो मच जितने भी मेरे फैंस हैं, जहाँ से भी हैं, मैं कहना चाहूँगी कि आपकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ और आगे भी जाऊँगी तो आपकी वजह से. थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू. उसके बारे में मुझसे शुरुआत करें. मैं जानकी बाई का किरदार निभा रही हूँ. तो जैसे कि आपने अभी एक झलक देखी होगी, सो मैं थोड़ी सी, आई वुड से थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पार्ट प्ले करूँगी झांसी की रानी में. तो काफ़ी अलग टाइप का ये किरदार है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत शातिर दिमाग औरत है ये, यू नो, दोस काइंड ऑफ वीमेन हु actually needed all the power and position in their hands, and they could do anything to maintain it. So rajgharane mein jo politics chalte rehte hain, jo chalte aa rahe hain, jo hote hain, so she is the ruling thing, aur unke haath mein sari cheeze unko chahiye. तो इस टाइप का किरदार मैंने भाव. ओके, इससे पहले कभी आपको नेगेटिव किरदार में देखा नहीं गया है, तो फैंस के लिए कितना शॉकिंग होगा ये आपको? आई थिंक काफ़ी शॉकिंग होगा, क्योंकि इससे पहला शो मैंने जो किया था वो था पेशवा बाजीराव, एंड देन द फिल्म्स दैट आई डिड, आई उसमें भी मैं नेगेटिव नहीं थी. बट काफ़ी मज़ा आएगा, एंड आई थिंक ऑडियंस को मेरा और एक पहलू देखने का चांस मिलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क आल्सो आई कैन डू. सो दैट दिस इज़ माय गुड अपॉर्चुनिटी. और मैं बताना चाहती हूँ फैंस को, प्लीज़ देखिए, एंड आई होप, आई रियली होप कि आपको ये मेरा पहलू भी अच्छा लगे. दैट्स इट. ओके, रियल स्टोरी पर बेस्ड, जब हम यू नो कहानियों पे बेस्ड जब हम स्टोरी बनाते हैं तो कुछ रिसर्च वगैरह करना पड़ता है, तो आपने कितनी रिसर्च की जब आप इस सो जानकी बाई के बारे में? आपको बहुत ज़्यादा लिखा हुआ नहीं मिलेगा,
बट आर रिसर्च टीम जो है हमारे प्रोडक्शन की, सो उन्होंने मुझे काफ़ी मदद की इसके बारे में कि कैरेक्टर का ग्राफ बताना या वो कैसी थी, वो क्या थी, उनके रेफरेंस पिक्चर्स दिखाना, तो ये सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड कर दी थी. पर आप गूगल करने जाओगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं उनके बारे में, तो दैट इज़ द थिंग. तो लिमिटेड रिसर्च है उन पर अवेलेबल, बट जो कुछ भी है आई हैव बीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द रिसर्च टीम. ओके, नेगेटिव किरदार निभाते हुए कितना एंजॉय किया इसके बारे में जानना तो बनता ही है कि मैं तो मेरा हर काम मैं एंजॉय करती हूँ, यू नो, लेट इट बी एनीथिंग, मतलब कोई भी, माय वर्क इज माय गॉड फॉर मी, सो मुझे बहुत मज़ा आता है. आई जस्ट होप कि ऑडियंस को भी मज़ा आएगा. और हाँ, इट्स डिफ़िकल्ट, आई वुड से नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप जिस पर आपको वर्क करना पड़ता है, तो मुझे ये बहुत चैलेंजिंग लगता है. और मैंने हमेशा ऐसे ही रोल्स चुने हैं जो चैलेंजिंग हो और जो सीधे साधे रास्ते से ना जाते हो, तो आई थिंक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव इट जस्टिस. ओके, लास्टली आपके फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्यों देखना चाहिए उन्हें झांसी की रानी? एक पहली चीज़, हमारे लिए आज की जनरेशन को हिस्टोरिकल शोज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई वुड से शोज़ क्योंकि ये बहुत सबसे बड़ा मीडियम है जो देखा जाता है, जो इन्फ्लुएंस करता है ऑडियंस को, तो वी नीड हिस्टोरिकल्स. ए वी नीड पीपल टू नो कि मणिकर्णिका यानी रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी क्या थी. सो वी आर जस्ट नॉट शोइंग हर हीरोइज़म और उनका सिर्फ फ्री स्पिरिटेड होना, बट शी वॉज वेरी वेरी प्रोग्रेसिव. उन्होंने विडोरी मैरिज या वुमेन एम्पावरमेंट ऐसी सारी चीज़ों पर काम किया हुआ था. उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, तो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू शो द अदर साइड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई विच पीपल माइट नॉट नो. तो इसके लिए हमारा शो आप ज़रूर देखिएगा. और ऑफकोर्स मैं एक अलग किरदार में आपके सामने आ रही हूँ, तो आई होप, आई रियली होप कि आप लोग इन्जॉय करोगे. एंड प्लीज़ वॉच खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी फ्रॉम 11 फरवरी एवरी मंडे टू फ्राइडे एट 9:30 PM. थैंक यू सो मच. मैं खैर, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं. मेरा नाम अंशुल है, अंशुल त्रिवेदी. आपने मुझे बहुत सारे शोज़ में देखा होगा, सरस्वती चंद्र, एक रिश्ता ऐसा भी, इश्क का रंग सफ़ेद, लास्ट वन बिंग त्रिदेवियाँ. सो आई बीन डूइंग टेलीविजन फॉर गुड 5-6 years नाउ. मैंने बहुत अलग अलग चीज़ें की है, फिर वो कॉमेडी हो या मेन स्ट्रीम ड्रामा हो, नेगेटिव रोल्स हो. सो पहली बार, यू नो, मैं हमेशा से माइथो से बहुत डरता था, बट दिस इज़ नॉट अ माइथो शो, इट्स अ हिस्टोरिक शो. तो पहली बार एक हिस्ट्री का ऐसा किरदार जो आपने बचपन में पढ़ा है, हम सब ने ये टेक्स्ट बुक में तात्या टोपे 1857 वी नो, वी हर्ड अबाउट इट. सो जब पहली बार ये चीज़ हुई तो ऐसा लगा कि यार, जो चीज़ हमने पढ़ी है अगर वो पर्दे पे करने का मौका मिलता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. सो ऑब्वियसली आई वो सुपर एक्साइटेड. एंड देन व्हेन यू सी कलर्स प्रेजेंटिंग दिस शो, एंड इट्स ट्रूली अ मैग्नम ओपस, मतलब टीवी पे इस स्केल पे शोज़ बहुत कम बनते हैं, तो ये स्केल पे शो बनाना और उसका एक इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना और हिस्ट्री का एक इतना इम्पॉर्टेंट किरदार उसमें प्ले करने का मौका मिलना, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. ओके, जैसे कि आपने बताया काफ़ी अलग अलग तरीके के किरदार. डोंट यू थिंक दिस इज फनी, तात्या टोपे अंग्रेजी में बात कर रहा है. एनीवे, या तो आपने जैसे कि बताया काफ़ी अलग अलग किरदार आपने निभाए, तो ये कितना अलग था आपके लिए? ये कितना अलग था, आप ज़रा इसको दिखाइए. देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, आप मुझे जो देख रहे हैं, ये मूछे ऊछे ना मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं किया. एंड लुक एट दिस कॉस्ट्यूम एंड दिस टोपी, दैट्स वाई वो तात्या टोपे, उसको ये दिया गया था खिताब के तरीके से, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट जनरल. सो मेरे लिए ये बहुत ही अलग अनुभव है. मैंने घुड़सवारी की ट्रेनिंग ली थी इसके लिए, जो कि मुझे नहीं आती थी, क्योंकि हमारा फर्स्ट सीक्वेंस जो ओपनिंग है, जब आप 11 फरवरी को देखेंगे, सो इट्स अ प्रॉपर फाइट सीक्वेंस जो कि घोड़े पे होता है, जो आपका डुप्लीकेट नहीं कर सकता है, बिकॉज योर फेस इज सीन, यू हैव टू फाइट. सो लर्नड स्वॉट फाइटिंग फॉर दिस, लर्नड हॉर्स राइडिंग फॉर दिस, विच वॉज अ मेजर टास्क. सुबह सुबह उठकर मैं जूहू पे भेज देते थे ट्रेनिंग के लिए, बट यार वही तो करना है, वही तो काम है, तो वही तो सीखना है. सो दैट वे इट्स बीन वेरी चैलेंजिंग. और ये स्ट्रेचर के साथ ये
कॉस्ट्यूम के साथ सारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। हम नॉर्मल शोज़ में जैसे डायलॉग बोलते हैं वो बहुत अलग होता है, लेकिन अगर इसमें मैं ऐसे डायलॉग बोलूँगा तो बहुत अजीब लगता है। एंड ऑल्सो आई गेट टू डू दिस यार, सी कैन यू सी दिस, आहा, सो आई एम लविंग इट यार। ओके, कितने दिन पहले से प्रिपेरेशन चालू हो गई थी शो के लिए? हाँ, वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर मोर देन आई थिंक वन एंड हाफ मंथ्स। सो तब से घुड़सवारी, स्वॉट फाइटिंग, वो सारी फाइट वाइट की ट्रेनिंग हम कर रहे थे, और उसके बाद ऑलमोस्ट 20-25 दिन के बाद हम फ्लोर पे गए। ओके, अगर बात करें को-स्टार्स की, तो उनके साथ काम करने में कितना मजा आ रहा है? यार अभी मैं क्या बता सकता हूँ, अनुष्का जो है छोटी सी बच्ची जो कि रानी लक्ष्मीबाई बनी है, मणिकर्णिका बनी है, मनु है, हमारे लिए मनु है, वो मुझे प्यार से तात्या गुरु बुलाती है, बिकॉज आई एम द वन हु ट्रेन्ड रानी, छोटी जो बच्ची है मणिकर्णिका को, एंड देन शी बिकेम व्हाट शी बिकेम। सो इन अ वे इट्स अ वेरी स्वीट बॉन्ड दैट वी शेयर। शी इज़ अ टीनेजर एंड टू वर्क विद समवन ऑफ दैट एज, 16 ईयर्स, शी इज़ एक्सट्रीमली पैशनेट, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, और उसके साथ ना वो जो स्पॉन्टेनिटी होती है ना, वो ये बच्ची में, उसके साथ कभी कभार ना हम हक्के बक्के रह जाते हैं कि यार ये कुछ अलग कर रही है। सो दैट वे इट बिकम्स चैलेंजिंग ऑल्सो, बिकॉज कभी कभार हमें लगता है कि हमारा अनुभव है, हमारा एक्सपीरियंस है, लेकिन एट टाइम्स ना शी सरप्राइजेज यू, एंड टू सो यू ऑल्सो हैव टू बी लाइक कॉन्स्टेंटली ऑन योर टोज कि भाई नहीं यार, यू ऑल्सो नीड टू काइंड ऑफ मैच अप टू हर लेवल, विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग टू से। So I experience this every day, and all the other actors, Rajesh Shringarpure is there, he's a very senior actor, Marathi, Hindi, sab mein humne unko dekha hua hai, he's a very dear friend also, he's become a very good friend, and everyone for that matter, so I'm loving it here. Okay, lastly, hamare viewers ko kya kehna chahenge aapke show ke liye? Kaun kaun hai isme? Bahut sare hai, aap bas khali bol dijiye ki kya kyun dekhna chahiye? Filmy beat. Kyun dekhna chahiye? Pehle to aap hame dekhiye, phir aap iska trailer dekhiye, aapne Rani ko dekha hoga, aapne इन सब के थ्रू ये सारी न्यूज़ भी देखी होंगी। ऐसा शो अगर टेलीविज़न पे अटेम्प्ट हो रहा है तो ये इतनी ऑथेंटिक कहानी आपको फिल्मों में, क्योंकि 2 घंटे का समय होता है उसमें, आप पूरी कहानी नहीं बता सकते, जो न्यूएंसेस हैं जिससे ये किरदार गुजरे हैं, वो सारी स्ट्रगल जो थी, वो सारी रियल स्ट्रगल अगर इस स्केल पर आपको कहीं देखने को मिले, तो इट्स आई थिंक इन अ स्ट्रेंज वे आपको जो हिस्ट्री जो आप भूल गए हैं वो आपको वापस याद दिलाएगा, and it's going to be extremely entertaining as well, so you must watch Har Har Mahadev. Thank you. Okay, so sabse pehle to shuru karenge kirdar ke bare mein batana janna chahenge thoda bahut ki kis tarike ka kirdar hai aapka aur kitne excited hai? Main bahut zyada excited hu, bahut zyada khush hu ki main itne bade itne acche show ka part ban raha hu aur itne acche production house ke sath, itne acche channel ke sath mujhe kaam karne ka mauka mil raha hai। और किरदार की बात करें तो जो फॉर मी गंगाधर राव वाज अ मिसअंडरस्टूड हीरो, जिसको अपने ही जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करता है वो एक्सप्लॉयट करते हैं, और उन्हीं की वजह से वो ड्रग्स में डाल देते हैं ताकि वो उसका थ्रोन ले पाएँ, और बहुत सारी डिफ़िकल्टी से गुजरता है, और कैसे जब उसकी शादी मणिकर्णिका से होती है तो कैसे वो इंस्ट्रूमेंटल होती है उसकी आँखों के आगे से वो पर्दा हटाने में, और वो झूठ का जो पर्दा है, और कैसे उसको सच्चाई पता लगती है, और कैसे वो एक बेटर इंसान बनता है, बेटर हस्बैंड बनता है, बेटर किंग बनता है, और बेटर इंडिविजुअल बनता है, और कैसे वो इंस्ट्रूमेंटल होता है मणिकर्णिका को मनु से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनाने में, और उसके आगे जो सक्सेस उन्हें मिलती है, जो अचीवमेंट्स उनकी होती हैं वो अचीव करने में। जी, तो जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि ठीक कमांड है मेरा? अच्छा, एज इट इज़ वी फॉलो अ स्क्रिप्ट, बट लहजा जो है उस पर एज एन एक्टर मैंने हमेशा सीखा है कि आपका वो क्लियर होना चाहिए, तो वो उसके लिए हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं जो करते हैं, बट एट द सेम टाइम किरदार में घुसने के लिए, उसकी एक बॉडी लैंग्वेज समझने के लिए, उसका वो फिनिश लाने के लिए, आई ट्रेंड इन हॉर्स राइडिंग, आई ट्रेंड इन स्वॉर्ड फाइटिंग, आई लॉस्ट 6 kgs बाय training in different physical trainings off circuit and weight trainings, और ये मूछ असली उगाई है, और कैसे कुछ नोट्स बनाए हैं जो उस किरदार को समझने के लिए मुझे उसके साथ बैठने के लिए वो मदद करते हैं, उसके उसको उसके करीब आने के लिए। सर, जो आपका किरदार है सीरियल में, जी, और रियल लाइफ में कैसे आप उसको जज करेंगे?
मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वैलिड है. कुछ सिमिलैरिटी ये है मिसअंडरस्टूड हीरो की. मुझे कुछ लोग मिसअंडरस्टूड हीरो यहाँ वैसे रियल लाइफ में भी कहते हैं, और मुझे लगता है कि ये सिमिलैरिटी है. और ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ भी कि जिन लोगों को मैंने ट्रस्ट किया है उन्होंने मेरी मेरे गिविंग होने का, इनोसेंस होने का फ़ायदा उठाया है, इनोसेंट होने का फ़ायदा उठाया है. और अपनी जर्नी रही है, बट पर्सनली मैं अब थोड़ा सा समझदार हूँ और मेरी लाइफ की मनी करने का वो है वो घर पर बैठी पर्सनल लाइफ की, और आई थिंक शी इज़ ऑल्सो ब्रॉट अ लॉट ऑफ गुड चेंज इन मी. ओके, कितना डिफिकल्ट होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट्यूम, यू नो काफी हैवी कॉस्ट्यूम है जी. तो ये एक्ट करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है जब ऐसे टाइप के हैवी कॉस्ट्यूम. मैं बाकियों के लिए तो नहीं बता सकता, बट अपने लिए ये कह सकता हूँ क्योंकि इसका वजन है 10 किलो एग्जैक्ट हमने वे किया था. और तो शुरुआत में ही लगा था सिर्फ एक बार पहनने में, और जैसे ही मुझे गंगाधर राव फील हुआ तो उसके बाद मुझे ये वजन फील होना बंद हो गया. जी लास्टली क्या कहना चाहेंगे ऑडियंसेस के लिए, क्यों देखना चाहिए उन्हें ये शो? क्यों देखना चाहिए उन्हें ये शो? क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक जब भी हम झांसी की रानी के बारे में बात करते हैं, लक्ष्मी बाई के बारे में, तो हमें वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल फिगर की तरह याद आती है, एक हीरो की तरह याद हैं. जो अचीवमेंट्स उन्होंने किए, जो सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए हैं उसके बारे में पता है, पर हम एक बारी भी नहीं सोचते हैं या समझते हैं या हमें दिखाया गया है कि वो पर्सनली एक इंसान भी थी और पर्सनली वो कैसी थी और क्या क्या उनकी बैटल्स थी, क्या अचीवमेंट थी, कैसे रिलेशनशिप्स थे उनके उनके हस्बैंड के साथ, उनके दोस्तों के साथ, उनके अपने बाबा के साथ और अदरवाइज बाकी के साथ, जो एक्चुअली उनको एक इंसान बनाते हैं जो वो थी. और फिर जो स्ट्रेंथ उन्हें मिलती है या जो उनकी वीकनेसेस या जो भी ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस उनके लाइफ में रहे हैं और वो कैसे उनको ओवरकम करती हैं, वो हम जब पर्सनली उन्हें जान पाएंगे तो उनसे कनेक्ट कर पाते हैं. क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि वो एक डिस्टेंट फिगर है हमारे लिए. जब हम उनके एक पर्सनल एक पहलू देखेंगे तो वो मुझे लगता है कि एक वो बहुत ही हमारी पर्सनल जर्नी हो जाती है एक व्यूअर की, और वो कनेक्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है. तो ऐसे ज़रूर डिफरेंट है, इसीलिए प्लीज़ देखिए झांसी की रानी ओनली ऑन कलर्स फ्रॉम 11th February एट 9:30 PM. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू, थैंक यू. कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी. नाम सुनते ही एक एनर्जी अपने आप आ जाती है, यू नो. तो किस तरीके, सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे, किस तरीके का किरदार निभा रही है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर द गुड विशेज. एंड कैरेक्टर नेम इज सकुबाई. शी इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर इन दिस मेगा शो. एंड हर मेन मोटिव इज़ लाइक उसके जो ग्रैंडसन है उसको झांसी का किंग बनाना है. एंड शी इज़ अ स्टेप सिस्टर इन लॉ ऑफ गंगाधर राव. ओके, जैसे कि आपने कहा कि नेगेटिव किरदार है और एक हिस्टोरिकल शो है, तो यू नो जब हम कोई हिस्टोरिकल शो करते हैं तो काफ़ी तरीके की रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है, तो आपने शो के दौरान क्या कुछ रिसर्च किया है? देखिए, जैसे कि आपने मूवी भी देखी है, पहले सीरियल भी आ चुका है, सो वी हैव फोकस्ड ऑन झांसी की रानी की जो मेन बैटल्स हैं उन पर फोकस किया गया था. बट दिस टाइम वी आर डूइंग लाइक मोर मेन फोकस ऑन हर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, लाइक वॉट शी हैड गॉन थ्रू टू बिकम अ झांसी की रानी. सो उसके बारे में और उसके सराउंडिंग जितने कैरेक्टर्स थे जिन्होंने उनको ट्रबल दिया था उनके बारे में रिसर्च की गई. तो सकुबाई भी एक अपने आप में एक कैरेक्टर था जिसने उसको ट्रबल करने की कोशिश की, जो कि वो चाहती थी कि उसका पोता राजा बने. ओके, ऑन एयर होने वाली है, शूट ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, तो कितना एंजॉय कर रही हैं आप अपना पर्टिकुलर कैरेक्टर निभा रहे हैं? फिलहाल मेरा शूट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, बिकॉज झांसी जब तक नहीं आएंगे हमारा स्टार्ट नहीं होगा. दे आर शूटिंग इन बिरहोर राइट नाउ. सो जैसे हमारा स्टार्ट होगा आई एम श्योर इट्स गोना बी अ वेरी फन एंड वेरी एडवेंचरस शो. ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंसेस से, क्यों देखना चाहिए उन्हें झांसी के? क्यों देखना चाहिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज झांसी की रानी की स्टोरी हिस्टोरिकल इट्स अपने आप में एक स्टोरी है, तो सब जानते हैं स्टोरी के बारे में, सबने हिस्ट्री पढ़ी है, बट इसमें हम थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में. सो प्लीज़ अगर आपको उनकी मोर पर्सनल लाइफ टू गो इनटू इन डिटेल्स की व्हाट शी हैड गॉन थ्रू टू बिकम अ झांसी की रानी, सो प्लीज़ डू वॉच कलर्स TV 9:30 मंडे टू फ्राइडे. खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे, इतना लाइक खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, नाम सुनते ही यू नो अपने आप में एक एनर्जी चेतना आ जाती है। और सबसे पहले तो जानना चाहेंगे किस तरीके का किरदार आप निभाने वाले हैं। ये कैरेक्टर भी उतना ही चेतना में है जितना रानी लक्ष्मीबाई है, क्योंकि ये पिता का कैरेक्टर है, उन्हीं के पिता का कैरेक्टर है मोरोपन तांबे। कोई भी चीज़, व्यक्ति ऐसे ही बड़ा नहीं होता, वो बड़ा होने के पीछे काफ़ी घर में वो संस्कार होने भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। और चूंकि मोरोपन तांबे के बारे में अगर आप देखो, इतिहास के पन्नों में इतना ज़्यादा लिखा गया नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज था कि ये किस तरह से इसको बताया जाएगा। लेकिन जब क्रिएटिव से मुझे इसकी पूरी ब्रीफिंग मिली थी, तो बहुत सारे शेड्स हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे देश के लिए, कर रहे हैं, उनके बारे में तो हमें पता होता है, लेकिन जिन्होंने किया है लेकिन जिनके बारे में हमें पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक मलाल रहता है कि ये लोगों को भी हाँ मतलब वो लोगों तो पहुंचने चाहिए वो भी कैरेक्टर्स, तब मज़ा है ना, सबको पता हो कि यार ये आम आदमी भी उसने काफ़ी कुछ देश के लिए किया है जो पता ही नहीं था। तो मोरोपन तांबे वैसा एक कैरेक्टर है जो बाप है रानी लक्ष्मीबाई का, लेकिन इतना नहीं पता, लेकिन उसने जो कारनामे किए हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो लोगों तक तो पहुंचने में ज़रूरी है। तो ये एक चैलेंज था, अपीयरेंस वाइज मेरे लिए चैलेंज था कि मुझे बॉल्ड होना था। सीरियल कर रहा हूँ तो वो एक कमिटमेंट का एक हिस्सा है कि वो भी एक चैलेंजिंग होता है एक एक्टर के लिए। तो ये सब चैलेंज लेके, चैलेंज हो तो बड़ा मज़ा भी आता है लाइफ में, तो इनके वजह से ये कैरेक्टर उतना स्ट्रांग है। ओके, अगर हम बात करें शो की, तो झांसी की रानी पर काफ़ी सारे शोज हैं, मूवीज हैं, काफ़ी सारे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो क्या अलग लेकर कलर्स आ रहा है शो में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सब जानते हैं, जो मैंने अभी शुरू में पहले कहा ना कि कैसे बनी वो इतनी बड़ी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही कोई बड़ा नहीं बनता ना, आज सचिन तेंदुलकर ऐसे ही आज लोग उसके वाह वाह कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं बना, उसने जो परिश्रम किए, उसको जो सिखाया गया, वो सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो ऊपर वाली पीढ़ी है, उनका ये कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी को किस तरह से संस्कार दें, किस तरह से सिखाएं, जो मोरोपन तांबे के कैरेक्टर में आपको दिखेगा। वो चाहता तो उस लड़की को, जिसकी माँ नहीं है, एक बाप हूँ, लड़की है, तो उसको उसका ब्याह करके उसको भेज सकता था, घर पे ही रख सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। वो चाहता था कि उसके अंदर वो देश प्रेम जागृत हो, वो एक आदर्शवादी लड़की तौर पर यू नो लोगों तक पहुँचे, और देश के लिए जो उसने सैक्रिफाइस किया है, जो करने वाली है, ये सब वो जानता था कि शायद मैं अपनी बेटी को कल देख पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि उसने बगावत की है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ब्रिटिशर्स तो बड़े बेरहम थे उस वक्त। तो ये जानकर भी उसने उसको वो सब सिखाया। okay. तो ये कैरेक्टर है। okay, अगर बात करें जैसे आपके कैरेक्टर की, तो दूसरे जो आपके जो को-स्टार्स हैं उनके साथ में बॉन्ड के बारे में जानना चाहेंगे कि सब प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, इसलिए बहुत बॉन्डिंग बहुत ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। कोई जबरन करना नहीं पड़ता, कि वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। सीरियल है, टाइम तो इसमें काफ़ी है, तो धीरे 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 हम लोग का बॉन्डिंग सबका अच्छा हुआ है। ओके, ऑल्सो जब बात करते हैं हम एक हिस्टोरिकल शो की, तो एक और जो चैलेंज सामने आता है वो है प्री प्रिपरेशन का, मतलब बहुत सारी तैयारियां पहले से करनी पड़ती हैं, तो इस शो के लिए आपने कब से पहले से तैयारी? क्रिएटिव से मुझे ब्रीफिंग मिली, एक प्रोड्यूसर्स ने मुझे बाकायदा अच्छी सी ब्रीफिंग दी। तो ये दो जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं किसी भी मेकर्स जो कहते हैं, उन्होंने जब ब्रीफिंग दी तो नेचुरली क्लियर हुआ था। प्लस हिस्ट्री जब रिफ़र करते हो आप, तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। और सबसे बड़ी और हमारे डायरेक्टर सेट पे जो होने के वजह से सब चीज़ आसान हो जाती है, तो इस तरह से काम अच्छा हो जाता है। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, क्यों देखना चाहिए, क्या खास देखने को मिलेगा? खास आपको ये देखने मिलेगा कि एक पूरा बच्ची का जो ट्रैवल है, पूरा उसका जो फ़लसफ़ा है, पूरा किस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी को देश के प्रति, अपने आने वाली नस्लों के लिए, उनका सुखी रहे इसलिए जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, जिस तरह से वो लड़ी है, वो बहुत ज़रूरी है देखना। वैल्यूज़ आप समझोगे, फैमिली वैल्यूज़, सैक्रिफाइसेस, वैलर, स्ट्रेंथ, इसलिए आपको ये देखना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम
पूछेंगे मुझे नहीं तो जस्ट आंसर जी तो गंगाधर राव के बारे में अगर आप ऑनलाइन रिसर्च करेंगे या बुक्स में पढ़ेंगे तो देर आर आइदर टू वेरी डिस्क्रिप्शन या बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है बट मैंने ज़रूर पढ़ा उसके बारे में और देन आई वॉन्टेड टू अडेप्ट व्हाट माई क्रिएटिव टीम व्हाट माई प्रोड्यूसर्स एंड द होल टीम क्रिएटिवली हैड रिटन एंड हैड एनविजन्ड and it, besides just adapting the data I worked on it physically I lost 6 kgs I grew a real mustache for this ye tau asli hai aur I trained in horse riding I trained in sword fighting I worked on my diction in it I aur jab aap padhte hain kisi kirdar ke bare mein to as it is it really helps in understanding the character and these are just a few things that I did बूमरैंग नहीं है मुझे सीनियर है उन्हें दिल्ली से और उन्होंने म्यूजिक वीडियो शूट की थी पर कैमरा के बारे में बोलूँ तो टू बी ऑनेस्ट आई वाज 8 इयर्स ओल्ड मुझे नहीं पता था कि कैमरा के लिए एक्ट करूँ या अपने लिए तो मैं अपने लिए कर रही थी म्यूजिक वीडियो वाज ऑल अबाउट डांसिंग तो मुझे मेरा रूटीन दे दिया गया था मेरे को स्टेप्स मालूम थे मेरे को जहाँ खड़ा कर दिया था मैंने अपने स्टेप्स किए फुल एनर्जी के साथ फिर जब मैं काम करने लगी जब मैं छोटी थी मैं सोचा कि मैं वैसे लग रही गाइड जब मैं आती हूँ लेकिन वो नहीं बट जब मेरे बाबा ने फाइटिंग हैंड फाइटिंग Except that also, if you see Indian diction, the way I walk and the way I sit and everything is just so different and it's a big responsibility altogether because Sani Lakshmibai is a legend, I just want to justify this one. My books study and my favorite team is very good, they give a lot of grief. And my books study and after that, the corona... लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी ये सुनते ही एक अपने आप में एनर्जी आ जाती है तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस काम करने जैसे आप सुनेंगे हमारा जो टाइटल ट्रैक है खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी सुनने में इतना अच्छा लगता है अलग एक जुनून हो जाता है और एक्सपीरियंस में कहूँगी तो अभी तो हमने इसे स्टार्ट किया है पर स्टार्ट से ही इतना अच्छा एक जोश आ गया है और यू नो एक अलग जुनून है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई एक लेजेंडरी कैरेक्टर थी एंड यू नो लेजेंडरी वो एक फ्रीडम फाइटर थी जिन्होंने यू नो क्योंकि वो टाइम पे यू नो मेल डोमिनेंट कंट्री था उसमें ब्रिटिशर्स भी आ गए थे एंड जो भी वुमेन राइट्स थी वो एकदम नहीं थी जो अभी है बट उस ज़माने में भी ऐसे उठकर आना एंड यू नो अपने हक के लिए लड़ना और अपने ही नहीं अपने देश के हक के लिए लड़ना बहुत बड़ी बात थी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये रोल को प्ले करने में बहुत मज़ा आ रहा है ओके बात करें अगर प्रिपरेशन की तो इतना कम टाइम में कितने दिन पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट सिर्फ 10 दिन हुआ क्योंकि हमें बहुत जल्दी शूट स्टार्ट करना था इन 20 डेज वी हैड टू स्टार्ट शूटिंग तो 10 दिन में मैंने हॉर्स राइडिंग एंड तलवारबाजी हैंड फाइटिंग ये मैंने सीखी फिर शूट के दौरान मेरे जो क्रिएटिव टीम है चैनल वाले हैं वो मुझे जो हिंदी डिक्शन है जो शब्द हमारे बहुत प्रॉपर होने चाहिए ऐसा लगना नहीं चाहिए कि अनुष्का सेन बात कर रही है जब
सीन में होते हैं, तो इसलिए बहुत चाल और बोलने का तरीका वो उसमें बहुत काम चल रहा है। ओके, बात करें अगर इतने हैवी कॉस्ट्यूम के साथ में शूट करने की, तो वो कितना डिफिकल्ट हो रहा था? एकदम डिफिकल्ट नहीं होता, बिकॉज यू नो आप अपना काम पसंद करते हैं तो कभी पता नहीं चलता। थैंक यू। So, इस एज में यू नो सच अ लाइक मोटिवेशनल कैरेक्टर आपको मिल रहा है, सो हाउ डू यू फील? लाइक I really feel blessed and I feel I'm really lucky to, you know, get this opportunity. And now my focus is just, you know, in ordinary. I really want to justify this role. Like Kangana has done her part and it's now my part to, you know, do थैंक यू सो मच। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप प्लीज़ 11 फरवरी से देखिएगा, मंडे टू फ्राइडे 9:30 PM ओनली ऑन कलर्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैं आपको भूल नहीं जाऊंगा, लेके जा रहा हूं पैकेज। आप भी फटाफट प्लीज कर लीजिए।